निगम की बसों में छात्रों को रियायत देने की मांग, आज एबीवीपी ने निगम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। निगम की बसों में छात्रों को रियायत देने की मांग को लेकर आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, मांग करी कि निगम की बसों में छात्रों को 50% की रियायत दी जाए। निगम की बसों में भी छात्रों से पूरा किराया वसूलने से कहीं न कहीं छात्रों पर आर्थिक भार पड़ता है, छात्रों के लिए सुविधा की जाए ऐसी मांग की गई, जिस पर उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो शहर में निगम की बसें चलाई जा रही है उनमें छात्र छात्राएं जो कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट, उनको रियायत देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा आयुक्त को। और इसमें हमारी मांग, मुख्य मांग ये है कि जो विद्यार्थी यहाँ का पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर जो किराए के अंदर छूट देनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर, क्योंकि आर्थिक भार आ रहा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधक हो रहा है, तो इसलिए हमारी मांग है कि इनके अंदर जो निगम की बसें हैं उनके अंदर छात्र छात्राओं को रियायत दी जाए। पहले कितना किराया लगता था, कितनी रियायत मांगा? पहले जो बसें चल रही है उनके अंदर जो टेम्पो प्राइवेट या टेम्पो चल रहे हैं उनके बराबर ही किराया लगता है, पर हमारे मांग है कि उनमें कम से कम स्टूडेंट को 50% रियायत दी जाए। आज किसको ज्ञापन दिया? आज हमने उपायुक्त रलावता साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन जताया कि कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर।